64-65 के आसपास आ रही है, 273। हमेशा कॉइल के दोनों तरफ से एक बार चेक कर लेनी है, कई बार क्या होता है कॉइल ओपन हो जाती है, ठीक है ना, हम एक तरफ से चेक करते हैं, दूसरी यहीं पर कॉइल है, ठीक है ना। अब इस कॉइल को यहाँ पर डबल एल 1601 1604 इसको डबल क्लिक करेंगे, मैटिक्स में आएंगे और हम यहाँ चेक करेंगे ए, तो ये हमारी कॉइल है, ठीक है ना। वोल्टेज स्विचिंग की लाइन है S3। ठीक, लगाने से पहले इस पर हम उसको क्या करेंगे, शोल्डर कर देंगे थोड़ा सा पीपीडी और फ्लक्स से, ठीक है ना, पीपीडी और फ्लक्स से इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी दिखाइए। तो अभी कनेक्ट हो गया आपका, मतलब हमारा जो फोन है बिल्कुल वर्किंग हो गया, यानी कि सीपीयू और पावर आईसी वर्किंग चल रहा है। अब तो चलिए एक बार हमारे सर के लिए एक बार क्लैप कर दीजिए। चलिए बढ़िया। हेलो दोस्तों, आशिक कम्युनिकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल में सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के बारे में बात होती है और मोबाइल से जुड़ी बातें होती हैं। तो दोस्तों आज ये फिर लेकर आए हैं हम एक डेड फ़ोन, जो कि बिल्कुल डेड फ़ोन है, हमारे कस्टमर का फ़ोन है, कस्टमर का फ़ोन आया था जो कि कहने लगा कि हमारा ये फ़ोन गिरा है, गिरने के बाद हमारा फ़ोन ऑन नहीं हुआ है। तो मैं दिखाना चाहूँगा ये वाला फ़ोन है, MI Y2 है, जो कि हमारे फ़ोन कस्टमर का फ़ोन बिल्कुल ऑन था, जो कि कस्टमर का कहना है ये गिरा और गिरने के बाद ये ऑन हो ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो मैं बताना चाहूँगा इधर स्टूडेंट्स को, क्या ये आप लोगों के सामने ही आया था कस्टमर? कस्टमर का ही है ना डायरेक्ट, मेरा तो नहीं है ना। चलिए ठीक है, इसको आज हम फुल ट्रेस करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ के बारे में बताएं कि कहाँ से शुरुआत करनी है और किस तरीके से आपको इसको रिपेयर करना है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब वीडियो को पूरा अंत तक देखना और स्टेप बाय स्टेप रखना, जहाँ स्किप करोगे आपको खुद पता नहीं चलेगा कि सर ने इसको ऑन कैसे करवा दिया, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम पहले फ़ोन खोलते हैं, खोलने से पहले कुछ चेकिंग मेथड होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए पहला जो चेकिंग मेथड रहता है, और दोस्तों ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ बिल्कुल बेसिक वाले जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो बनी रहेगी, हेल्पफुल रहेगी, और जो पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। वीडियो में आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। होता है फर्स्ट स्टेप, जो कस्टमर अगर आता है तो आपको कैसे चेक करना है स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले आप उसको चार्जिंग पे लगा के चेक करेंगे, ये देखिए चार्जिंग पे लगाया, चार्जिंग पे लगाने के बाद यहाँ पर देखिए ब्लिंक हो रहा है, ब्लिंक हो रहा है ना, और यहाँ पर भी देखिए आप एम्पियर उठा रहा है कभी नहीं उठा रहा, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं या तो शॉर्टिंग हो सकती है, लीकेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कस्टमर का कहना है ये फ़ोन गिरा, और यहाँ पर देख सकते हैं आप स्क्रीन भी टूटी हुई है, यहाँ पर देखिए स्क्रीन में ग्लास भी टूटा हुआ है इसका। तो कस्टमर का कहना है कि नीचे गिरा था, ये गिर गया और ऑन नहीं हुआ। तो चलिए इसको खोलते हैं और खोलने के बाद आगे का स्टेप जानते हैं। इसको खोलेंगे, अभी मैं आपको ये बता दूं, जो बिगिनर है बिल्कुल बिगिनर उनको बता रहा हूँ। देखिए ये इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट के अंदर आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। कभी भी आप फ़ोन खोल रहे हो, फ़ोन को खोलने के टाइम जब भी आपको बैक ढक्कन खोलना है पहले ये चेक करना है कि इसके पीछे थंब, जो आपका थंब इंप्रेशन होता है, जो आपका फिंगर जो सेंसर होता है आपका, अगर पीछे है तो आपको एकदम झटके से इसको खोलना नहीं है, ठीक है ना, इसको झटके से खोलना नहीं है। क्यों नहीं खोलना, रीज़न क्या है, इसके ये पत्ता, ये देखो पत्ता देख रहे हो आप, कई लोग जो नीचे बिगिनर्स होते हैं ना वो पत्ता काट देते हैं, ठीक है ना। तो इसको खोलते वक्त इसको बहुत आराम से इसको खोलना है, अगर इसके पीछे सेंसर है तो आराम से खोलना है। तो ये खोलिए, ये स्टेप बाय स्टेप है, जिसको पहले से आता है वो वीडियो बंद कर दे, जिसको पहले से ज्ञान प्राप्त है, ठीक है ना, और जिसको सीखना है ये वीडियो पूरी देखना है, आप लोगों के लिए बहुत काम की चीज़ है। इस वीडियो के अंदर बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। करेंगे क्या हमारी बैटरी की जो वोल्टेज है वो पूरी है, 3.7 से 4.2 वोल्टेज होनी चाहिए हमारे, इनफ होती है फोन को ऑन करने के लिए।
तो पहले बैटरी के हम वोल्टेज में लेके जाएंगे। ये लाइट को जला दो, ये आप सभी को दिख रहा है? ठीक है, ऊपर ऊपर दिखाओ, ऊपर दिखाओ बैटरी को भी, बैटरी कनेक्ट करो, बैटरी कनेक्टर नहीं, बैटरी का जो पत्ता है। ये जो हमारा बैटरी का फ्लक्स देख सकते हैं आप, इस पे हम चेक करेंगे वोल्टेज कितनी, 3.7 से 4.2 वोल्टेज आनी चाहिए, ठीक है ना। कितनी आ रही है? 2.9 के आसपास वोल्टेज आ रही है। तो इसका मतलब है ये चांसेस भी हो सकते हैं, जो लाइट ब्लिंकिंग होती है ये चांसेस होते हैं कि आपकी जो बैटरी है वो जीरो हो चुकी है। कई बार जीरो हो जाती है, माइनस हो जाती है, तब भी आपकी बैटरी ऐसे ब्लिंक करना शुरू कर देती है, तब आपको कोई हार्डवेयर की प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अब हम चार्ज तो कर नहीं सकते, तो हम किसकी मदद लेंगे? डीसी मशीन की, डीसी सप्लाई की मशीन देंगे। हम इसको ऑन करके चेक करते हैं क्या ये ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ऑन होता है तो इससे क्या पता चलता है कि हमारी बैटरी डाउन थी, अगर ऑन नहीं होता तो आगे जाके पता करते हैं। तो चलिए डीसी मशीन पे लगाइए। इसको हमने डीसी मशीन के जो फ्लक्स पे लगा रहे हैं यहां पर, तो यहाँ पर देखिए पहले तो ये हमारे को क्लियर हो गया, यहाँ पर इसने डायरेक्ट एम्पेयर नहीं लिया, नहीं लेने का मतलब ये है कि कोई शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसको ऑन करो भाई, यहाँ पर देखिए क्या एम्पेयर ले रहा है, 30, 29, 40, 39, 40, 50 के आसपास जा रहा है और एकदम जीरो हो जाता, ठीक है ना। 30, 40 दोबारा से दिखा दीजिए एक बार, यहाँ एक बार इनको दिखा दीजिए यहाँ पर, एक कोई बात नहीं यहां पर दिखा दीजिए। ये डीसी लगाइए, ये डीसी लगा सके, डीसी की पावर, पावर सप्लाई है ना बूट केबल, और ये पावर जब दबा रहे हैं तो मेरा पावर ग्राउंड से, कोई बात नहीं तू आराम से कर। तो यहाँ पर देखिए पावर बटन दबाने के बाद यहाँ पर जो अभी फिलहाल एम्पेयर जो आ रहा है 40-45 के आसपास आके जीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो 40-45 पे आके अगर जीरो हो रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ेगा कि इसके अंदर VPH बन रहा है नहीं बन रहा, ठीक है ना। ज़्यादातर जो अपना एक्सपीरियंस है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो यही कहता है कि इसकी जो गिरने से या तो हमारी जो IC है वो क्या हो जाती है, ड्राई सोल्ड हो जाती है। कहीं पर क्या होता है, IC अपनी जगह से हिल जाती है। तो कस्टमर का कहना है ये गिरा था फोन, अब गिरने से ये IC क्या हो रहा है, ड्राई सोल्ड हो रही है या अपनी जगह से हिल गई होगी। तो कहीं पर क्या होता है, रिवॉल्विंग से ओके हो जाता है। बट मैं रिवॉल्विंग करने से पहले क्या टेस्टिंग होती है आपको एक एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए फोन को खोलो, पहले खोलो बताया जाएगा। अगर आप यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं तो इस तरीके से स्मैटिक्स की नॉलेज प्रॉपरली दी जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर सभी लोग, मैं सभी लोगों से पूछ रहा हूँ कि अभी जो आपके 7 से 8 दिन हो चुके हैं, इसके अंदर स्मैटिक्स की नॉलेज प्रॉपरली आपकी प्रॉपरली हो रही है यहाँ पर है? प्रॉपरली मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर बता रहा हूँ, कंपोनेंट्स का एक एक पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज बताया नहीं बताया वो। अगर कंपोनेंट के बारे में ना बताता क्या स्मैटिक समझ में आता? नहीं आता ना। तो चलिए कोई नहीं, अगर आप पकड़िए, अगर आप यहाँ एडमिशन ले रहे हैं दोस्तों, 10 अगस्त को हमारी नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए। और मेरे पास सिर्फ लिमिटेड सीट ही रह गई है, यहाँ रहने की फैसिलिटी भी है, खाने की फैसिलिटी भी है, और आप आइए यहाँ पर और आपको स्टेप बाय स्टेप सारा काम सिखाया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए मदरबोर्ड पूरा निकल चुका है। पहले मदरबोर्ड पे कुछ काम करने से पहले आई टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। आई टेस्टिंग से क्या पता चलता है, कई शॉर्टिंग या कुछ पानी का दाग वगैरह होता है वो दिख जाता है। कुछ भी ब्रश व्रश नहीं मारना, सबसे पहले आई टेस्टिंग करनी है। तो पहले मदरबोर्ड को पूरा चेक करो, कहीं पर पानी का दाग वगैरह तो नहीं है कहीं पर, या कोई शॉर्टिंग, कई बार कैपेसिटर वगैरह होता है वो काला दिख जाता है और हम ब्रश मार देते हैं वो कालापन हट जाता है। तो इसलिए कुछ करने से पहले आई टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। हमारी अपनी आंखों से एक बार चेक कर लो चारों तरफ कि कहीं आपको पानी वगैरह तो नहीं आ रहा, अच्छे से चेक करो,
कहीं पानी का दाग या कुछ ऊपर आ रहा है ना सब, ऊपर सब दिख रहा है ना? हाँ हाँ सब दिख रहा है, बैक साइड में भी करके देख ले एक बार। देखिए बोर्ड बिल्कुल फ्रेश है, अभी तो फिलहाल किसी ने कुछ भी नहीं किया। नहीं सर, कोई ऐसा कोई दाग तो नहीं है, ऐसा कोई दाग वाग तो नहीं है अभी फिलहाल, ऐसा कोई दाग नहीं दिख रहा है मेरे को, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको मदरबोर्ड के अंदर जीआर चेक कर रहे हैं, बैटरी कनेक्टर के अंदर हमको जीआर चेक करना होता है। कितना जीआर चेक करेंगे पहले लगाइए, ये जो बैटरी कनेक्टर है हमको इसको पहले फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज दोनों चेक करना है। डायोड मोड पे, डायोड मोड पे रखेंगे और डायोड मोड पे रखने के बाद हमको मल्टीमीटर को रखना है प्लस पे प्लस माइनस पे माइनस, तो इसका मतलब फॉरवर्ड वाइज, ठीक है ना। तो प्लस पे प्लस माइनस पे माइनस रखो, तो यहां देखो प्लस पे प्लस माइनस पे माइनस रखा तो 1900 के आसपास रीडिंग आ रही है, ठीक है। अब इसको रिवर्स वाइज करो तो ये 445 के आसपास रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हमारी शॉर्टिंग नहीं है, तो कुछ और ही फॉल्ट हो सकता है इसके अंदर। तो अगर ऐसा कोई फॉल्ट आता है तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है, क्योंकि ये 40-45 तक जा रहा है, ठीक है ना। जाने का मतलब ये है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं आपकी बूटिंग की भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। स्टक हो जाता है तब भी बूटिंग की दिक्कत रहती है। तो एक काम करेंगे, पहले इसको हम चेक करेंगे कि VPH बन रहा है या नहीं बन रहा, और बक वोल्टेज बन रही है या नहीं बन रही। तो ये कहाँ पर चेक होएंगी, हमारी पावर आईसी के आसपास, क्योंकि पावर आईसी के आसपास ही बक वगैरह वोल्टेज बनती है, VPH क्रिएट होती है। तो हमारी इसकी पावर आईसी कहाँ पर है दिखाइए भाई, ये सिम ट्रे देख रहे हो, थोड़ा सा इधर करो, यहाँ पर इसकी पावर आईसी है। तो अब ये शील्ड पैक है तो इसको हम काटेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको काटिए जल्दी से, तो यहाँ पर इससे पहले यहाँ पर चेक करो अच्छी तरह, कहीं पर पहले देखना है कोई पानी का दाग या कोई शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। अगर पानी का दाग या शॉर्टिंग आपको लगता है यहीं पर, तो उस लाइन को अच्छे से आपको चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी फिलहाल कोई पानी का दाग वगैरह कुछ नहीं है और ना ही कोई शॉर्टिंग है। तो सबसे पहले हमको यहाँ चेक करना है जितनी भी बक, ये जो आपकी है बक कॉइल है, इन पे अच्छे से चेक करना है, जीआर चेक करना है आपको पहले। तो इन सभी पे एक बार जीआर चेक करो, प्रॉपर है, ऊपर करिए, ठीक है। चिमटी से लगती हुई, तो 364 के आसपास यहाँ पर आ रही है। और इसके आगे वाली चेक करो, यहाँ पर भी 364-365 के आसपास आ रही है, 273। हमेशा कॉइल के दोनों तरफ से एक बार चेक कर लेनी है, कई बार क्या होता है कॉइल ओपन हो जाती है, ठीक है ना। हम एक तरफ से चेक करते हैं, दूसरी तरफ से चेक करते ही नहीं है, तो आपको दोनों तरफ से चेक करनी है सेम वैल्यू की आ रही नहीं आ रही, ठीक है ना। ये 278 के आसपास ये देखो, ये आपकी ग्राउंड शो कर रही है 00, ये आपका वैल्यू शो कर रही है, ये पैरेलल में लगा हुआ है, ये पैरेलली कॉइल लगी हुई है, ठीक है ना। नहीं नहीं 297 ही आ रही है, वो अच्छा वो चिमटी लगी हुई थी, चिमटी इधर लगी है, ठीक है ठीक है। दिख नहीं रहा ये वाइट वाइट क्या आ रहा है, ये आ रहा है, इसको इधर से ले लेना, ऐसे ले लें यहाँ से, टू 297 के आसपास रीडिंग आ रही है। पहले ये चिमटी से ऐसे टकर गया, हाँ तभी 00 आ रहा था, 297 ठीक है, 380, 328, 328, 389 ठीक है, बिल्कुल ठीक है,
390, ठीक है ना, उसके साइड में 390 के आसपास रीडिंग आ रही है, बिल्कुल ठीक है। नहीं ठीक है, ये अगर रेलवे रीडिंग आती तो ये 00 शो कर रहा है। पहले देखिए कोई टच तो नहीं हो रहा कुछ, टच नहीं है। तो ये अभी फिलहाल 00 शो कर रहा है, हम इस लाइन को चेक करेंगे, ठीक है ना। इस लाइन के अलावा इन एलडीओ पे भी चेक करेंगे, इन एलडीओ पे भी चेक करेंगे, जितने भी कैपेसिटर हैं, ये जितने भी साथ में कैपेसिटर होते हैं इनको भी आपको चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। 208 एक तरफ ये ग्राउंड ही रहेगा क्योंकि पैरेलल में लगता है, 208 ठीक है, 210 के आसपास ठीक है, 210 ठीक है, 210 ठीक है, 208 बिल्कुल ठीक है, उसके ऊपर करो थोड़ा सा बोर्ड को, 208 के आसपास रीडिंग आ रही है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने भी कैपेसिटर है ना इनको चारों तरफ अच्छे से चेक करो कि कहीं शॉर्टिंग लीकेज कुछ तो नहीं नजर आ रही है आपको, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपको प्रॉपरली रीडिंग आ रही है, ठीक है। ये दोनों तरफ से जीआर क्यों आ रहा है, ये बूट कैपेसिटर होगा, ठीक है। ये नीचे वाले ये कॉइल है, नीचे वाले कैपेसिटर, हाँ ये 711 ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड आ रहा है, ये भी दूसरी साइड ग्राउंड आ रहा है। तो ये दोनों तरफ ग्राउंड आ रहा है और इसके नीचे वाला कैपेसिटर 631, ठीक है ना। तो ये ग्राउंड ही रहेगा, तो मतलब अभी फिलहाल हमको ये कैपेसिटर और एक ये कॉइल को अच्छे से एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, ये लाइन कहाँ की है। और दूसरा एक बार हम ये चेक करते हैं क्या हमारे इसके अंदर VPH बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है ना। VPH बनना भी जरूरी है, वोल्टेज सिस्टम की जो वोल्टेज होती है वो बनना जरूरी है। तो एक बार हम इसका स्मैटिक्स खोलते हैं, ये हमारा जो मॉडल है वो कौन सा है, Y2। तो अगर बोर्नियो में आप चेक करते हैं स्मैटिक्स के अंदर तो S2 आता है, ठीक है ना। तो हम बोर्नियो खोलते हैं यहाँ पर, बोर्नियो के अंदर स्मैटिक्स पे जाते हैं, ये लाइट तो नहीं आ रही, इसमें लाइट तो नहीं चमक रही ना। अब यहाँ पर हम स्मैटिक्स खोल लेते हैं, सबसे पहले हम इसका लेआउट खोलेंगे, ठीक है, क्योंकि लेआउट से पता चलता है इसकी पोजीशन कहां पर है। ये इसका लेआउट है, ठीक है ना, और ये मेरी पावर आईसी है जिसके आपके अभी चेक कर रहे थे हम। इस पावर आईसी को हम क्या करेंगे, एक बार डबल क्लिक करेंगे और स्मैटिक्स में चलेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि इसके अंदर VPH, जो VPH वोल्टेज है यानी कि वोल्टेज सिस्टम की जो लाइन वोल्टेज है वो बन रही है या नहीं बन रही है, तो कौन से कॉम्पोनेंट में बनेगी। तो हम इस पर जाएंगे और पेस्ट कर देंगे, को सर्च करेंगे और जूम करेंगे। जूम करने के बाद मुझे इस पे चेक करना है कि VPH की लाइन कहां पर है। सबसे पहले तो यहां पर देखिए, ये देख रहे हो आप 59 नंबर, ये हमारा VPH की लाइन है, VPH पावर। इसके अंदर हमारी ये PM है, तो जो हमारी VPH क्रिएट करती है वो कौन सी करती है, DC-DC IC हमारी। तो हमारे को पहले DC-DC IC ढूंढनी पड़ेगी इसकी, तो इसकी VPH यहां देखिए, ये मेरी IC नंबर है, PMI-8952 लगी हुई है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो VPS बनेगी जो सबसे पहले यहाँ से निकल के इस कैप, तो इसके अंदर हमने इस IC के अंदर हमको ये चेक करना है कि इसकी IC के अंदर VPS बन रहा है या नहीं बन रहा। तो हमने कहाँ जाना है, हमारी जो इस IC के अंदर ये जो हमारी PM8953 है, PM8953 है ना, हाँ ये देखो PM8953 दिख रहा है, ठीक है, सबको दिख रहा है ना। तो PM8953 के हमारी इनपुट पे वोल्टेज कितनी है, VPS हमारी बननी चाहिए, तो C
1602। तो इसको हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हम लेआउट पे जाएंगे। लेआउट पे क्या चेक करते हैं हम, एड्रेस कहां पर लगा हुआ है ये। तो इसको हम क्लिक करेंगे तो कहां लगा हुआ है ये, इधर बैक साइड में लगा हुआ है। इसको शील्ड को हमको उतारना पड़ेगा, एक बार शील्ड को उतारना पड़ेगा, या फिर इस कैपेसिटर पे C1604 कहां पर है, ये रहा। देखिए C1604 पे हम चेक करते हैं। यहां पर देखिए एक VPH बन रहा है, ठीक है ना, एक ग्राउंड से है। तो 1604 पे हम क्या चेक करेंगे, यहां पर इस कैपेसिटर पे चेक करना है जी, इसके इस तरफ वाले में, नीचे वाले में। हाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, लगाओ एक बार, ये वाला इधर दिखाओ टीवी में भी। 1604 इस पे चेक करना है, चार्जिंग पे लगाओ। आपको चार्जिंग पे लगा के भी चेक कर सकते हो, उस पर भी लगा के चेक कर सकते हो, डीसी पे भी, ठीक है ना। पहले चार्जिंग पे लगा के चेक करते हैं। ऊपर दिखा, हम इस पे चेक करेंगे ना, यही है ना हमारा VPH का। तो हम इस पे करेंगे वोल्टेज चेक, इसको हम वोल्टेज पे लगाते हैं। इस पे चेक करो हमारी वोल्टेज बन रही है, तो देखिए 3.5 वोल्टेज आसपास बन रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, हमारा VPH बन रहा है, VPH बन रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हमारी बक वोल्टेज वगैरह भी बननी चाहिए, LDO के भी सारी वोल्टेजेस बननी चाहिए। तो एक काम करिए, इन सभी पे एक बार बक वोल्टेज भी चेक करिए ग्राउंड से। तो देखिए सारे LDO में वोल्टेजेस बन रही है, आपस में टकराए यार, ठीक है। दूसरी ये भी ठीक है, ओके है, ये भी बन रही है, ओके है। हाँ ये देख, उसके दूसरी साइड लगा, दो कैपेसिटर आप टकराए ना, दूसरी साइड लगा, ठीक है आ रहा है। बक वोल्टेज सारे चेक करो, यहाँ पर देखिए ये जो कॉइल है, कॉइल के देखिए यहाँ पर 00 आ रहा है। 00 आने का मतलब क्या है, या तो ये कोई ग्राउंड की लाइन होगी BSNL लाइन की, या फिर कोई अगर पावर की लाइन है तो ग्राउंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम इस लाइन को क्या करेंगे, एक बार चेक करते हैं ये लाइन कहाँ जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आइए एक बार दिखाते हैं। तो ये मेरी पावर IC है, तो पावर IC के यहीं पर कॉइल है, ठीक है ना। अब इस कॉइल को यहाँ पर डबल L1601 1604 इसको डबल क्लिक करेंगे, स्मैटिक्स में आएंगे और हम यहाँ चेक करेंगे ए, तो ये हमारी कॉइल है, ठीक है ना। वोल्टेज स्विचिंग की लाइन है S3, ठीक है ना, और जो कि हमारा इस कैपेसिटर से होते हुए ये हमारी कौन सी लाइन है, वीरेज की 1.2 वोल्टेज के आसपास इस पे वोल्टेज आनी चाहिए। क्या वोल्टेज आएगी इस पे, क्योंकि वो लाइन ग्राउंड हो पड़ी है। तो इसको चेक करते हैं ये लाइन कहाँ कहाँ जा रही है, ठीक है ना। तो इस पे हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, और क्लिक करेंगे और ये चेक करेंगे कि आपकी ये लाइन कहाँ कहाँ जा रही है। अब जैसे इधर भी जा रही है, यहाँ देखो, ये देख रहे हैं आप, वही लाइन है S3, और ये कौन से लाइन में जा रही है, यहाँ पर ये आपकी जा रही है इस IC के अंदर। ये IC का नंबर क्या है, U901A। तो हम क्या करेंगे, इसको
पे क्लिक करेंगे और हम लेआउट पे जाएंगे। क्या लेआउट पे जाके चेक करते हैं कि आईसी कौन सी है। तो ये आईसी कौन सी है हमारी, ईएमएमसी है ना। तो हम क्या करेंगे अभी फिलहाल इस ईएमएमसी को उठाएंगे, उठा के एक बार चेक करते हैं कहीं ईएमएमसी के अंदर तो नहीं पानी चला है, क्योंकि अभी अभी हमने ईएमएमसी की लाइन को भी चेक नहीं किया है। तो ईएमएमसी को निकालो एक बार, दिखाओ एक ऊपर ज्ञान भी लेंगे ना उसमें भी बहुत। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका सीपीएमएमसी लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारी ईएमएमसी है, ठीक है ना, ये हमारी ईएमएमसी है और ये हमारा क्या है सीपीयू, क्वालकॉम लिखा हुआ है ना। तो अभी इसी के अंदर हमारी जो शॉर्टिंग आ रही थी, बीप आ रही थी, नहीं आ रही थी। तो हम क्या करेंगे इसको एक बार उठाएंगे, उठाने से पहले हम क्या करेंगे वो ये फोन गिरा है, गिरने से ये कहीं ना कहीं इसका ड्राई सोल्ड हो गया है या फिर कोई लाइन आपस में टच हो गई है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि इसकी देखो आप दूसरी साइड में अगर खोलूंगा, यहाँ पर देखिए बिल्कुल शील्ड बिल्कुल पैक है, अगर मुझे शील्ड को काटना पड़ेगा, ठीक है ना, तो बिल्कुल शील्ड बिल्कुल फ्रेश फोन है, आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश फोन है, ये देखिए ठीक है ना, बिल्कुल फ्रेश फोन है। तो इसको हम शील्ड नहीं काट के हम क्या करेंगे इसकी ईएमएमसी को बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने के बाद इसको चेक करते हैं क्या ये फोन में ऑन होता है या नहीं होता, ठीक है ना। तो चलिए इसको फटाफट ईएमएमसी को निकालो, पहले सीपीयू को प्रोटेक्ट कर लियो। यहाँ पर अभी हम पहुंचे हैं, अभी इन्होंने निकाला है आराम से। तो यहाँ पर देखिए प्रिंट निकले हुए हैं, तो इसका मतलब ये फोन गिरा था, ये ही आपका पूरा निकला था, मतलब अंदर ही अंदर से क्या हो गया खुल गई थी आईसी। खुलना है मतलब ये क्या होता है जब फोन गिरता है, बहुत तेज गिरा था फोन, तो फोन गिरने के कारण से क्या होता है ड्राई सोल्ड हो जाती है, जो बोले होते हैं आपस में अलग हो जाती है। तो यही हुआ था, इसका कारण यह है कि इसका जो माइक्रो जंपिंग, यानी कि हमको माइक्रो जंपिंग से इसको पहले ठीक करना पड़ेगा, जो इसकी बॉले हैं हमारे को बनानी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो पहले हम इसको देख लेते हैं इसकी लाइन कौन कौन सी है हमारी जो अभी उड़ी है इसकी। तो यही है आपकी ईएमएमसी। तो अभी इसके अंदर कौन सी पड़ी है, इसको सीधा रखियो, सीधा करियो, ये लास्ट की कितनी कितनी उखड़ी है तो दिखी नहीं रहा मेरे को ढंग से, पता नहीं मेरी आंखों क्या हो गया। इधर की ये तीन है, चार ये उखड़ी है, इधर की दो है, इधर की दो, इधर की दो क्या है वो एनसी है ना, ये दो क्या है नॉट कनेक्टेड है, और ये क्या है आपकी मेन लाइन आ गई, सिर्फ एक छोड़ के ये जो आती है ये कौन सी हमारी, ये लाइन हो सकती है आपकी या तो ऊपर उठ गई है या जो अभी शॉर्ट हो रही थी, जो शॉर्टिंग होने का कारण ये था क्योंकि इसके साथ में देखिए ग्राउंड है, देख रहे हैं ना, अब ग्राउंड से क्या हो गया ये आपस में टच हो गई होगी, गिरने के कारण आपस में टच हो गई होगी, तो पूरी लाइन की लाइन शॉर्ट हो गई है। तो ठीक है, हम इस आईसी को इसको भी बनाएंगे, और इसके अलावा ये कौन सी लाइन है, कितने नंबर लाइन है, 1 2 3 4 5 6, तो ये कौन सी हमारी है, 1 2 3 4 5 6 नौ नंबर, तो नौ नंबर भी हमारे को बनानी पड़ेगी। तो इसकी नौ नंबर कहां पर है अभी देखा जाए तो नौ नंबर बनानी है, और कौन सी बनानी है,
एक दो तीन है ये अरे चार नंबर के बोल रहे हो, ग्यारह नंबर बोल रहे हो ना, ग्यारह नंबर और चार नौ नंबर, तो ग्यारह नंबर का तो हम यहीं से जंपर लगा देंगे क्योंकि ये देखो दिख भी रहा है, ये दिखा रहे हैं ना यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे यहीं से इसको हल्का स्क्रैच करेंगे, यहीं पर ये बना देंगे, और ये वाला हमारा जो नौ नंबर है वो ये नौ नंबर को क्लिक करेंगे और देखते हैं लाइन कहाँ जा रही है, ये इधर पे भी तो ऐसा ही, ये सीधा सीपीयू में है, ये देखो ना आप इसे देखो, इधर देखिए स्क्रैच करके अगर मैं इसको बनाऊंगा तो चांसेस है, नहीं तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा, ये सीपीयू को ही उठाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो ये दो आपको हमारे को बनानी पड़ेगी, बाकी ये तीन हमारी क्या है एनसी है, तीन क्या है ये दोस्तों, अभी देखिए ये जो हमारा जो प्रिंट है, एक ये प्रिंट और ये प्रिंट, ये आपस में उखड़े हुए थे क्योंकि जब फोन गिरा था, गिरने के कारण क्या था, ये फोन गिरा होगा और वो बॉल मिस हो गई है, मिस होने के कारण ये जो आपस में बॉल चिपक गई होंगी, जिसके कारण से ये ग्राउंड शो कर रहा था, क्योंकि ये क्या लाइन हमारी ग्राउंड है, ये वाली क्या लाइन हमारी ग्राउंड है, तो अभी क्या करेंगे उसको स्क्रैच करेंगे, स्क्रैच करने के बाद इसके अंदर हम किक पैड लगाएंगे, जो कि हमारा ये पैड है, ऊपर दिखा दो यहाँ पर, ये बने बनाए पैड आते हैं मार्केट में, ठीक है ना, हम इस पैड का उपयोग करेंगे, दो पैड लेंगे और यहाँ रखेंगे, हटा दे यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना, तो पहले इसको हम स्क्रैच करेंगे, स्क्रैच करने के बाद इनको कनेक्टेड करेंगे, तो चलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखना दोस्तों, आप ही लोगों के लिए मेहनत होती है हमारे लिए, ठीक है ना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो कि आपको क्या किस टॉपिक पे, अलग अलग टॉपिक पे क्या क्या वीडियो चाहिए आपको, मेरी ट्राई रहती है, कोशिश रहती है कि मैं आपको अलग अलग वीडियो दूं, तो देखो बिल्कुल हल्के हाथों से करना है इसको स्क्रैच, बस स्क्रैच छोड़ने के करने के बाद छोड़ देना है इसको, स्क्रैच करने के बाद आपको इसको जीआर चेक करना है, अगर जीआर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो हम बिल्कुल परफेक्ट लाइन में, तो यहाँ देख सकते हैं जीआर आ गया, जीआर आने का मतलब क्या है कि हम बिल्कुल परफेक्टली लाइन में आ गए हैं, ठीक है ना, अगर ये जीआर नहीं आता तो हमको क्या फिर आईसी के वहां से निकालना पड़ता, ठीक है ना, तो हमारा जीआर ओके है, तो हम अब दूसरी लाइन को भी स्क्रैच कर लेते हैं लगे हाथ, हमेशा स्क्रैच करके कंफर्म करना है कि जीआर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, इसको हमने स्क्रैच कर लिया है, स्क्रैच करने के बाद आपको यहां पर देखिए जीआर मिलेगा, जो कि यहां पर जीआर आ रहा है, जीआर आने का मतलब यह है कि लाइन कनेक्टेड है, ठीक है ना, इसके जो ये आपका चक्र है यानी जो छेद है इसको थोड़ा सा हम हल्का सा स्क्रैच करेंगे, हल्का सा और स्क्रैच करेंगे, इतना करना है कि जो उसका एक्स्ट्रा पार्ट है वो निकल जाए, ग्राउंड नहीं आना चाहिए, ग्राउंड दिखना नहीं चाहिए, घिसना नहीं है उसको, आराम आराम से इसको हल्के हल्के आता से बस, क्योंकि हमने इसके ऊपर यूवी लगानी है, यूवी बिठाने के लिए, यूवी लगाने के लिए उसकी जगह बनानी है, जैसे कटोरा है, कटोरे में थोड़ा गंद बचा हुआ है, पहले इसको निकालना है, ठीक है ना, निकाल के फिर उसमें यूवी लगाएंगे, उसके बाद हम पैड लगाएंगे, अंदर ही अंदर बस पैड करवा, बहुत है पाउडर निकालना होता उसका बस। इसको निकाल रहे हैं भाई, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमारे सूख चुके हैं, ठीक है ना, तो अब इसको हम कट करेंगे, और कट करने के बाद लाइनों को हम क्या कर देंगे, इसके आपस में जॉइंट कर देंगे, ठीक है ना, तो चलिए इसको करिए, पहले यहां पर देखिए आप, यहां पर हम इसको चले जीआर चेक करेंगे कि जीआर आ गया नहीं आ गया, यहां पर देखिए जीआर आ गया, अब इसके नीचे वाला जो प्रिंट था वो अब इसको हम यहां पर टच करके देख करेंगे, ये दोनों से कनेक्टेड है, तो कनेक्टेड है, ठीक है ना, तो चलिए इसको फिर साफ करके तुरंत ही इसको लगा दीजिए, ईएमएमसी को हमने रिवॉल्व कर लिया था,
कि टाइम की कटौती की वजह से, तो फटाफट ईएमएमसी लगाइए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी हमने ईएमएमसी को लगा लिया है, ठीक है ना। अब लगाने के बाद एक बार बोर्ड पे लगा के चेक करो भाई, क्या इसका इसकी पोजीशन क्या है। पहले इसको यहाँ दोबारा लगाऊंगा, मुझे दोबारा इसको हम चार्जिंग पे लगा के चेक करेंगे, ठीक है ना। चलिए पहले चार्जिंग पे लगा के चेक करिए। तो यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर वही के वही सीन आ रहा है जैसे पहले था कंप्लेंट, ठीक है ना। और पहले कुछ भी नहीं एम्पेयर उठा रहा था, और अब पूरा का पूरा एम्पेयर उठा रहा है। तो अभी इसके अंदर क्या है, हमारी ये भी हो सकता है इसकी बैटरी डाउन है। ऑब्वियस सी बात है, बैटरी डाउन थी। तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार निकाल के बूट केबल से चेक करेंगे डीसी मशीन से। चलो चेक करो एक बार। तो बूट केबल लगाते ही पहले ये चेक करना है कि आपके फोन की इससे शॉर्टिंग तो नहीं है। अगर शॉर्टिंग होती तो ये डायरेक्ट एम्पेयर लेता। तो अभी फिलहाल इसने एम्पेयर नहीं लिया। अब इसको ऑन करते हैं। तो यहां पर देखिए, ऑन करते हैं 65 में आके 117 के आसपास आ रहा है। छोड़ दीजिए, ये 65 में आके क्या रखा, स्टक हो गया, स्टक हो गया ना। और पहले क्या प्रॉब्लम थी कि 20 30 40 में आगे आके आ रहा था, एकदम जीरो हो जाता था। अब क्या आ रहा है, 65 66 के आसपास आके स्टक हो गया। अब इसके अंदर जो ईएमएमसी लगी हुई है वो एसके हाइनेक्स लगी हुई है। कौन सी, एसके हाइनेक्स। तो मे भी हो सकता है कस्टमर का फोन गिरा था और उस टाइम कुछ भी हो सकता है। तो अभी ये स्टक में आ चुका है। स्टक में आने का मतलब ये है कि इसकी जो बूटिंग है वो प्रोसेस चालू हो चुकी है, ठीक है ना। अब उस बूटिंग को कंफर्म करने के लिए, क्या ये मेरा फोन ऑन हो चुका है। अगर ये फोन ऑन होता तो इसके अंदर अभी या तो फोन ऑन हो जाना चाहिए था। अभी फिलहाल ये स्टक हो गया। स्टक होने का मतलब ये है कि हमारा जो प्रोसेस था प्रॉपरली कम्प्लीटली हमने इसको सेट ऑन किया है। अब इसको एक हम चेक करेंगे, इस पे लैपटॉप पे लगा के हम ये चेक करेंगे क्या ये हमारा पोर्ट बन रहा है, क्योंकि पहले बारा पोर्ट भी बन नहीं रहा था क्योंकि फोन बिल्कुल ही ऑन नहीं था, डेड था, शॉर्ट था। तो अभी हम इसको एक बार आइडियल पॉइंट से लगा के चेक करेंगे। अगर हमारा पोर्ट बनता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे ईएमएमसी के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट हो सकता है, उसकी हेल्थ रिपेयर भी हो सकती है। तो चलिए इस पे हम लगाएंगे, और 9008 का एक पोर्ट बनेगा क्वालकॉम का, ठीक है ना। तो इसका आइडियल पॉइंट ये वाला है, दोस्तों को दिखा दो उनको। यहाँ पर दिखाइए ऊपर, यहाँ पर देखिए अभी कोई पोर्ट नहीं बन रहा। तो अभी यहाँ पर भी दिखाते रहिए साथ साथ। तो इसको मैं जैसे ही कनेक्ट करूँगा, यहाँ पर इधर भी दिखाइए, ये कनेक्ट किया तो यहाँ देखिए पोर्ट बन गया। यस सर, पोर्ट बन गया ना। yes, तो इसका मतलब ये है कि इसकी ईएमएमसी की हेल्थ की दिक्कत हो सकती है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको यूएमटी से एक बार इंफॉर्मेशन लेंगे और इसको हम इजी से टैग या यूएफआई से इसको अभी हम इसको यूएमटी से चेक करेंगे, ठीक है ना। इसकी इंफॉर्मेशन लेंगे क्या हमारी इसके अंदर ईएमएमसी में फॉल्ट क्या है। तो ईएमएमसी को हम लगाते हैं यहाँ पर। अगर क्वालकॉम है तो क्यूसी फायर आपको खोलना पड़ेगा यूएमटी के अंदर, ठीक है। तो यहां पर देखिए यूएमटी का हमारा ये क्यूसी फायर खुल चुका है।
ठीक है ना। अब इस पे हम क्या करेंगे, रीड इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे और रीड इन्फो करेंगे। रीड इन्फो करने के बाद हम ETL पोर्ट बना के चेक करेंगे क्या इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है ना। ये क्लिक किया मैंने, अब यहाँ दिखा दीजिए, ये मैंने इसको ETL पॉइंट पे लगाया और ये लगा दिया मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर भी दिखाइए। तो अभी कनेक्ट हो गया आपका, मतलब हमारा जो फ़ोन है बिल्कुल वर्किंग हो गया, यानी कि CPU और पावर IC वर्किंग चल रहा है। अब आ रही है हमारी EMMC की बारी, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, समय लेगा। देखिए डिटेक्टिंग स्टोरेज, ये आपकी EMMC के अंदर जा रहा है, ये चेक कर रहा है कि क्या आ रहा है दिक्कत। तो डिटेक्टिंग स्टोरेज फेल्ड का मतलब क्या आ रहा है, ये हमारी EMMC के अंदर ही फॉल्ट है, ठीक है ना, समझ में आया। yes, बढ़िया है, अब आपको क्लियर हो रहा है यहाँ पर कि डेड फोन में कैसे किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, समझ में आया आपको। yes, इधर लाइए, एक बात बताइए, अभी आपको स्टेप बाय स्टेप सारा काम समझाया आपको। yes, पहले क्या डेड था ये बिल्कुल? yes, क्या वर्किंग था ये? yes, अब इसकी उम्मीद है जागने की। yes, सिर्फ और सिर्फ किस चीज में दिक्कत आ गई इसके अंदर, EMMC के अंदर। स्टेप बाय स्टेप सारा काम समझाया आपको। yes, चलिए बढ़िया बढ़िया, थैंक यू। तो आपको इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर काम सीखना है, समझना है, तो आपको यहाँ पर 10 अगस्त को हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आसपास सफाई रखना, पशु पक्षियों को पानी जरूर देना दोस्तों। चलिए ठीक है, थैंक यू।